हेलो, क्या कर रही है तू? है अंधा हो गया क्या? तू देख नहीं रहा यार, मैंने पूछा, तू नाराज हो गई है। अच्छा सुन, तेरी नाराजगी दूर करने के लिए एक बहुत बेहतरीन आइडिया है मेरे पास। क्या? आज रात क्या? तुझे आइसक्रीम खिलवा के लाता हूं। अभी तो तेरी हरकतें देखकर मुझे लग रहा है कि तेरे अंदर कुछ और बाहर कुछ और। क्या क्या कह रही है तू? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे मैं सब समझ रही हूँ तेरी ये बातें। आज मीठे चांद की रात है ना, तो अगर उस चांद को लड़का लड़की एक साथ मिलकर देख लें तो लड़की हमेशा उसी के लिए हो जाती है 7 जन्मों तक। अच्छा ऐसा होता है क्या? ये ज्यादा भोलेपन का नाटक मत कर। ये हाथ जो मटर छील रहे हैं ना, तुझे भी छील के रख सकते हैं। ज्यादा मेरा दिमाग मत खा तू बैठ के यहाँ पर। यार तू बेकार की बात करती है। बेकार की क्या बात करती हूँ? हमेशा जब भी कोई मूड की बात होती है। हेलो 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 हेलो, हैंग ऑन। हंगामा है क्यों बरपा? क्या हो गया भाई, क्यों चिल्लन चाली हो रही है? अरे ये जो तेरा चाचा है। अरे यार कुछ नहीं यार। अच्छा तू बता, तेरी बीवी आज भी नहीं आई? नहीं क्यों? नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो है मीठे चांद की रात है, अगर आज लड़का और लड़की एक साथ मिलकर मीठा चांद देख ले तो लड़की कभी भी लड़के का साथ नहीं छोड़ती, उसके पीछे लग जाती है 7 जन्मों तक। चाचा जी हाँ? अनु वैसे भी छोड़ने वाली नहीं है मुझे। उसे कहाँ मिलेगा ऐसा पति? गुड लुकिंग, डैशिंग, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, सर्व गुण संपन्न। लुक एट मी। जो पति कम पत्नी ज्यादा है। मॉमी यू हैव अ रॉन्ग नोशन, आई एम टेलिंग यू हैव अ रॉन्ग नोशन। दिखता कुछ है और होता कुछ है, माफ करना। इस घर में चलती मेरी है, मेरी मर्जी के खिलाफ पत्ता नहीं हिलता इस घर में। जी हाँ। अरे अन्नू बेटा तू अचानक। मॉमी तुम गलत कह रही हो, इस घर में अगर किसी की चलती है तो अन्नू की चलती है। उसकी मर्जी के खिलाफ पत्ता नहीं हिलता। क्यों अन्नू? देख लिया डेविड है? कैसे पैतरा बदला है इसने। पत्ता नहीं हिलता। अरे सुन, अन्नू को बुला ले बेटा। कचेड़ू मीठे चांद की रात दिखा दे, मौका मत छोड़ियो तू। मीठे चांद तो हम दिखाएंगे, लेकिन अन्नू को नहीं, भाभी जी को। भाभी जी आई एम कमिंग। अंगूरे। अरे भाई तनिक पानी गन लाओ, हम आ गए हैं। ई लीजिए साहब जी। साहब जी रात के खाने में क्या बनाना है? जो मर्जी आए सो बना लो। अजी साहब जी एक मिनट, ये बार बार हमें साहब जी कहकर काय बुला रही हो बगली? क्या करें, घर की नौकरानी तो अपने मालिक को साहब जी बुलाएगी ना। ये किस टाइप की बातें कर रही हो पगली? बैठो 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 बैठो, जरा तनिक बैठो। हाँ अरे तुम इस घर की मालकिन हो, हमारी धर्म पत्नी हो। अच्छा अच्छा हुआ हमको बता दिए, हम तो भूल ही गए थे कि पत्नी का होती है। हाँ हम तो ये सुने थे कि पत्नी वो होती है जिसका पति उसको नए नए तोहफे ला कर देता है। आप लाएगा कभी? पत्नी तो वो होती है कि 2-4 महीने में उसका पति उसको कहीं ना कहीं घुमाने ले जाता है। ठीक है का? देखो पगली क्या है कि अभी हमारी घूमने फिरने की उम्र कहाँ रही, अब बस कुछ साल रुक जाओ तो तीर्थ करने की उम्र भी आ जाएगी, फिर तुम्हें लिए चलेंगे बनारस, हरिद्वार, काशी, हर जगह लिए चलेंगे। हाँ हम यही उम्मीद करते हैं आपसे। सच बात तो ये है कि आपके अंदर प्रेम नाम का हड्डी ना बना है। ऐसी बात नहीं है, हमारे अंदर प्रेम नाम का कंकाल जो है ना वो डिस्को डांस कर रहा है, सिर्फ तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। अरे रे दीजिए, कितना सपने देखती है एक तो औरत अपनी शादी के बाद। जब नया नया शादी हुआ था तो कम से कम हमको कहीं घुमाने ले जाते थे, रात को वो क्रीम खिलाते थे। अब तो कुछ नहीं। पगली से हमारी क्या गलती है? वो आइसक्रीम वाला जो रात को हमें आइसक्रीम पे डिस्काउंट दिया करता था वो कम बखत मर गया, तो अब हम कहां से आइसक्रीम खिलाएं तुम्हें बताओ? आइडिया तो आप पैसे बचाने के लिए हमको खिलाने ना ही ले जाते। हमको कुछ ना ही पता, आज रात को हमको आइसक्रीम खाना है, खाना है, खाना है बस। आयरा
नहीं यार देखो आज रात नहीं ले जा सकते यार। अकड़ गई पीठ एकदम से। अपना मोबाइल दीजिए जरा। ये लो। अब भाई दर्द ठीक हो जाएगा हा? अरे डॉक्टर को बुलाने से दर्द ठीक नहीं होगा, ये उसके बस की बात नहीं है। हमको पता है डॉक्टर के बस का नहीं है, इसलिए अम्मा जी को कॉल कर रहे हैं। अम्मा जी अभी ठीक कर दी। एकदम से अचानक ठीक हो गए, लगता बाहर घूम कर आने से और भी सही हो जाएगा। बताओ कितने बजे बाहर चलना है? रात के खाने के बाद चलते हैं, ठीक बा? ठीक बा। लव यू साहब जी। लव यू टू। ओ चांद खिला उतारे हसे, रात अजब मतवाली है। मैंने कहा भाभी जी क्या बना रही हैं? बड़े खुशबू आ रही है। हम तो पराठे बना रहे हैं केवल। भाभी जी आपके हाथ में वो जादू है कि अगर आप इन हाथों से इस तवे पे चप्पलें भी सेक देना तो पूरे मोहल्ले में शोर मच जाएगा, ये बाय गॉड शीरमाल बन रहा है, ताफ्तान बन रहा है। प्रभुति जी आप बिना कछु भी बोलते हैं, कभी भी कहीं भी हमको प्रेस करने लगते हैं। एक्सक्यूज मी, ये प्रेस धीरे बोलिए, कोई क्या समझेगा? आप प्रेस कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं, कभी भी हमरा तारीफ करते हैं। भाभी जी आप तारीफ के लायक हैं, आप तारीफ के काबिल हैं भाभी जी। अब देखिए अगर ताजमहल को ताजमहल ना कह के अगर उसे कहें कि सफेद पत्थरों का एक मकान है तो ताजमहल की शान में गुस्ताखी होगी भाभी जी, नहीं? व्हाट डू यू से? राइट? एम आई टॉकिंग सेंस? राइट? हां नहीं, हम क्या बोलते हैं, देखिए वो जो ताजमहल है वो बना तो सफेद पत्थरों का ही है, तो उसको बोल सकते हैं ना ऐसा, वो काले पत्थर तो लगे ना ही है उसमें। भाभी जी को भारी बर्तन है क्या आपके? हाँ लीजिए। कुछ नहीं भाभी जी, मैं जरा अपने आप को सजा दे रहा था, ये गलत क्वेश्चन पूछने की सजा। अभी आई थिंक आई शुड कम टू द पॉइंट, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। अभी क्या आज रात का मेरे साथ चांद देखेंगी? क्या बात कर रहे हैं, चांद तो रोज ही देखते हैं, आज का है ऐसा? अभी आज का चांद स्पेशल होने वाला है, अगर आज का चांद आप मेरे साथ देख लेंगी ना तो मेरी आरज़ू जिंदगी पूरी हो जाएगी। क्या बोले? अभी आज का चांद मीठा चांद है, और आज का चांद जो भी देखेगा ना उसके पति के बिजनेस में, अगर स्पेशली वो अंदरूनी कपड़ों के बिजनेस में, अगर वो अंडर गार्मेंट्स के बिजनेस में है तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। कच्चे बनियान ऐसे बिकेंगे, ऐसे भाभी जी ऐसे बिकेंगे। हाय दिया सच्ची? हाँ भाभी जी, और तिवारी जी कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे, सिर्फ आपकी हाँ कहने की देरी है भाभी जी। हाँ तो हमारी तरफ से हाँ है, हम जरूर देखेंगे। तो फिर रात को आप चांद देखेंगे? हाँ। तो कितने बजे आ जाऊं? काहे चांद देखने आपके साथ? दिया आप काहे तकलीफ करेंगे, और काहे के लिए टिके भैया हमको ले जा रहे हैं आइसक्रीम खिलाने ना, तो हम दोनों देख लेंगे चांद। चांद तो मेरे साथ देखने की बात हुई थी ना। आई दिया आप भी ना बहुत हमको बातों में लगाते, देखिए वो सब काला पड़ गया हमारा पराठा, जाइए अभी बाद में बात करेंगे। हाँ भाभी जी आपका तो पराठा जला है, यहाँ पता नहीं क्या क्या जल गया। बे अपना चांद देख ले। तेरे अब्बा को बोल तेरी माँ को दिखाएगा चांद तारे, मरता भी नहीं दिखता भी नहीं भाभी जी। आ जाओ। अबे किन के हाथ सौंप गया दुकान अपनी, ये चोर चक्के हैं। रख भैया। बस खाली बातें सुनाइयो हमें, हम तीन गरीबों का पेट मत भरवा दियो। कसम खा के कह रही हूँ हम तीनों खाली पेट तुम्हें ऐसी बद्दुआएं देंगे, ऐसी बद्दुआएं देंगे कि नीचे से कब्ज और मुंह से जुलाब हो जाएंगे। शट अप, काम लेके आओ तुम लोगों के लिए बे। 600 मिलेंगे, 600 रुपए, 200 200 200, कम से कम तुम तीनों का 15 दिन का जुगाड़ तो हो जाएगा। चटनी चाटने से पेट ना भरते हो भैया, 200 रुपल्ली में 15 दिन नहीं गुजरते, बात कर रहे हो? सारे 15 दिन ना गुजरेंगे, 5 दिन तो गुजरेंगे ना, चुप सारो कंगलो। भैया जे बता दो काम का करना है। इधर आवे, अंदर कुछ जाया क्या? अरे ठीक है भैया, हमको बताइए कि हम कौन सा साड़ी पहन कर चले बाहर? अरे पगली, मोहल्ले में ही तो आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, कोई आइसक्रीम वाले की शादी में नहीं जा रहे हैं जो इतना सजने संवरने की बात कर रही हो। इतने दिनों बाद हमको अपने साथ बाहर ले जा रहे हैं, हमारे लिए कोनो त्योहार से कम है का? बहुत खास मौका है,
हम तो बहुत अच्छे से सजेंगे सवरेंगे, आते हैं हम। अरे छोड़ दो, मनुष्यो साले क्या नौटंकी लगा रखी है तुम तीनों ने। सेठ जी आप ठीक है ना? क्यों, मुझे क्या हुआ भाई? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप जिंदा है भैया। हम तो रास्ते पर है ना, आपकी लाश पर होने की प्रैक्टिस करते हुए आ रहे थे रे। अब ये क्या बकवास कर रहा मनुष्यो? मैं तो लग रहा था सीधी आपकी लाश देखने को मिले। मेरे मतलब है कि आपकी दुकान के सामने वो गुप्ता जी दुकान वालों है ना? हाँ, जिसकी दुकान हमारी दुकान की वजह से चलती नहीं है और इसलिए आपकी उसके साथ बनती नहीं है। हाँ तो आगे बोलना बे। तो सेठ जी, आपसे जलते जलते गुप्ता जी के गुर्दे जल के काले पड़ गए और उस भूतनी वाले ने आपको मरवाने के लिए ना वासेपुर से सीरियल किलर बुलाया है। पप्पू 99 मतलब हमें मारने की सुपारी दी है। लेकिन ये किस टाइप का नाम है भाई, पप्पू 99? बड़ा अजीब सा नाम है ये तो। भैया अभी तक इसने 99 लोगों को मारो है, इसलिए जाओ को नाम पप्पू 99 पड़ गो है। हम अभी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। ना, ना, ना। तिल्लू आपके आगे हाथ जोड़ ले सेठ जी, पुलिस को कतई फोन ना करियो, वरना पुलिस आने से पहले पप्पू 99 आपको क्लीन बोल्ड करके सेंचुरी बना लेगा। भैया बाकी एक खास बात तो है, वो घर में ना घुसखरी मारता है सारो। भगवान, मतलब हम हमारे ही घर में सुरक्षित नहीं है। सेठ जी, आपकी जिंदगी के लिए टिल्लू के पास एक आइडिया है। क्या? सेठ जी, अपने विभूति भैया का घर बहुत बड़ा भी है, सुरक्षित भी है। आप समझ रहे हो ना, आप तो खुद बहुत समझदार हो। क्या ख्याल है सेठ जी? नेक ख्याल है। तानी एक कमबख्त लवने तिवारी जी के यहाँ पहुंचे कि नहीं पहुंचे, आज की रात बर्बाद नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए आज की रात। बाबूजी जी, तिवारी जी, आज की रात हम आपके साथ सो सकते हैं? व्हाट, क्या मतलब है जी? कैसे ख्याल आ रहा है आपके दिमाग में? अनु घर में नहीं, इसका मतलब ये कि आप कुछ भी करेंगे मेरे साथ? नहीं भूति जी, आप दरअसल गलत समझ रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि आज की रात हम आपके घर में सो सकते हैं क्या? आपका इतना बढ़िया बेडरूम है आपका, वहां जाके सोइए ना। अरे भूति जी, क्या है कि कोई है जो हमारी जान के पीछे पड़ा हुआ है, किसने हमारे नाम की सुपारी दे रखी है। मैंने कितनी बार कहा आपसे कि ये जो यूज कच्चे बनन बेचना बंद कीजिए आप। अरे ऐसी बात नहीं है यार, खैर आप नहीं समझेंगे, कुछ जगह बता दीजिए जहाँ हम छुप सके रहने के लिए। या तो आप मेरा ऊपर बेडरूम है वहां रह सकते हैं, या फिर नीचे गेस्ट रूम है वहां रह सकते हैं। हाँ। मेरे बेडरूम के लगेंगे 1000, नीचे वाले के गेस्ट रूम के लगेंगे 750। मतलब आप एक रात गुजारने के हमसे पैसे लेंगे? जमे तो ठीक है, वरना आप कोई और घर ढूंढ लीजिए, क्या होता प्रॉब्लम? नहीं रुकिए रुकिए, एक काम कीजिए, जो दूसरा वाला बताया था 750 वाला जी, उसका थोड़ा और कम कीजिए। आगे ना भैया औकात चिंदी चोर गिरी। तिवारी जी, ऐसे कमरे के बाहर जाएंगे ना, यू हैव टू पे 1500 रुपीस, 1500 देने पड़ेंगे आपको जी। अच्छा ठीक है, फिर एक काम कीजिए कि इसमें 2 कॉफी और नाश्ता भी ऐड कर लीजिए। एक कॉफी फ्री मिलेगी और नाश्ता पर हेड 300 रुपीस। अरे जाइए फिर, हम अपने घर में कर लेंगे। देखिए तिवारी जी, ये मेरा घर है, मेरे रूल्स हैं, अगर आपको नहीं जम रहा है तो जाइए स्टेशन में, क्लोक रूम है हमारा। करें अच्छा ठीक है यार, जाते हैं सोते हैं। लेकिन एक मिनट भूति जी, अगर हमें कोई ढूंढता हुआ आया ना तो कृपा करके उसे बताइए ना कि हम अंदर छुपे हुए हैं। मैं क्या इतना बड़ा बेवकूफ़ लगता हूँ आपको? इतनी मेहनत मैंने किस लिए की है? आए मेहनत, मैं कह रहा हूँ कि आपको यहाँ ठहराने की मेहनत किस लिए की है? जाके सोइए। अब सुनिए, आराम से लंबी तान के सोइए, कोई टेंशन नहीं, आई एम राइट हियर। ठीक है, और सुनिए, आज की रात बड़ी खूबसूरत होने वाली है। सही, घर छोड़िए। बहुत ठंडी है, थोड़ा पिघलने दीजिए भाभी जी। हाँ भाभी जी, देखिए ना
डेस्टिनी भी क्या चीज है। कहां तिवारी जी आपके साथ आने वाले थे चांद देखने के लिए, कहां हम आपके बगल में खड़े में सटे हुए। बुरा तो हमको भी बहुत ही लग रहा है, लेकिन क्या करे, वो अभी आप बोले ना वो डेंसिटी। अभी जी वो डेस्टिनी होता है। ऐसे ही पकड़े हाँ। अभी जैसे बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है, डेस्टिनी इसी को तो कहते हैं। मेरी नानी कहा करती हैं कि को जरूरी नहीं कि पति पत्नी से ही प्यार करें। तो ये भी हो सकता है कि किसी और का पति किसी और की पत्नी से प्यार करे, किसी और की पत्नी किसी और के पति से प्यार करे। तो क्या प्यार तो प्यार है, किसी पे आ जाएगा। नानी कहती थी, ये मेरी नानी कहती थी। पुराना माने तो एक तो बात बोले आपको। भाभी जी फ्रेंडम स्पीच आपके पास भी है। ओ ना, नानी से मिलना जरा कम कर दीजिए, हमको सही औरत ना ही लग रही है, वो बिगाड़ देंगे आपको। भाभी जी बिगड़ने सुधरने की बात नहीं है। भाभी जी प्यार तो एक फीलिंग है, वो किसी के लिए भी हो सकती है आपके दिल में। वो तो ठीक बा, कहा है कि जब लटू के भैया को हम पहली बार देखे थे ना, वही उसी टाइम हमरे दिल में ये फीलिंग आ गया था। मैं सेटिंग करने आया हूँ, यहाँ पे एक और कहानी सुना रही। क्या बोले? अरे का भाभी जी, ये लड्डू के भैया कहाँ से आ गए बीच में? वही तो, अभी तक आए नहीं, भूल कर गए थे हमको, बस यूं गया और यूं आया, आए नहीं अभी तक। आ जाएंगे भाभी जी, चांद देखिए, भाभी जी मीठा चांद है। हाँ। आज जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि जो हम मन्नत मांग रहे हैं वो पूरी हो। ठीक बा, इको अभी रख देते हैं। मैं पकड़ लेता हूँ। ठीक बा, आप जुड़िया। ए मीठे चांद, आज वो मेरे साथ है जिसका दीवाना हूं मैं। ए मीठे चांद, मैंने हाथ पैर स्तर धड़ सब कुछ मार के देख लिया, लेकिन आज तक भाभी जी फंसी नहीं। जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि आप मेरी सेटिंग करवा देंगे। प्लीज हेल्प मी, मदद कीजिए ना। आई लव यू। अलग के भैया दिलाएंगे हमको बुजुर्ग खलीफा, बुजुर्ग खलीफा, लड़के भैया दिलाएंगे हमको बुजुर्ग खलीफा। बुजुर्ग खलीफा। भाभी जी वो बुर्ज खलीफा होता है। ऐसे ही पकड़े हैं, कहा है ना कि स्नैक्स हम लड्डू के भैया के लिए बना रहे हैं। भाभी जी वो स्नैक्स होता है। ऐसे ही पकड़े हैं, कहा है ना कि ई खाकर ना वो हमको बहुत बड़ा इनाम देने वाले हैं। वाओ दैट्स गुड। एक सेकंड भाभी जी। चाचा जी व्हाट्सएप, व्हाट? चाचा जी घर है, कोई होटल नहीं है, यू हैव टू गिव मी सम टाइम। हेलो 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 चाचा, इतने तानसेन में काहे लग रहे हैं? चाचा जी का फोन आया था, 10 लोगों के साथ आ रहे हैं 10 मिनट में, और कह रहे हैं नाश्ते का इंतजाम करो। तो उमे फिकर का क्या बात है भरभूति जी, ये मैकेन का अबेजी बर्गर पैटी और फ्रेंच फ्राइज है ना, रुकिए। ये देखिए कैन का ना वेजी बर्गर पैटी और ये फ्रेंच फ्राइज एकदम फटाफट बन जाता है 3 मिनट में। और फिर इसके बाद इको बना लीजिए और फिर उनके साथ बैठकर आराम से गप्पे लड़ाइए। रियली भाभी जी? और का कुछ ना ही करना है, गीजर में से निकालना है, तेल में डालना है और तल लेना है। भाभी जी वो गीजर नहीं फ्रीजर होता। सही पकड़े हैं, हम ना आपके लिए एक ठो गर्मा गर्म बनाते हैं और खिलाते हैं। पहले तली हुई दे दीजिए ना आप। नहीं नहीं, कहा है ना कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि इको बनने में ज्यादा टाइम ही नहीं लगता है। अभी देखिए। वाह भाभी जी, स्मेलिंग आल्सो नाइस। ये देखिए बस बन के तैयार। अब हम आपके लिए अच्छा सा बर्गर बना देते हैं। क्या बात है भाभी जी, वाह। आ ये लीजिए। ओके भाभी जी, इट्स लुकिंग डिलीशियस। वाह भाभी जी, इट्स डिवाइन। थैंक यू भाभी जी। मैं इसी वक्त मकेन के वेज बर्गर पैटी और फ्रेंच फ्राइज घर लेके जा रहा हूँ, और चाचा जी के दोस्तों के लिए बड़े नाश्ता बनाता हूँ। ठीक बात। एंड थैंक्स फॉर मकेन। वेलकम। Excuse me, please. Cha-cha, cha-cha. Oh, oh, barkhurdar.
बहुत रूमानी हो रहे हो नॉटी बॉय। ऐसा कुछ भी नहीं चाचा जी। अरे हम सब अच्छे भाव भैया। भैया एक बात बताइए कि ये मीठा चांद देखने कितनी देर के बाद असर होता है इसका? After how much time? अबे मीठा चांद देखते ही उसका फौरन असर शुरू हो जाता है बेटा। Really चाचा जी? Really? लेकिन एक मुसीबत हो गई। क्या क्या मुसीबत हो गई? यार जब मैं कैलेंडर देख रहा था ना बगैर चश्मे के, तो मुझे लगा ऐसा कि उसमें लिखा हुआ है कि मीठे चांद की रात। फिर मैंने चश्मा लगाया, कैलेंडर देखा, पावर वाला चश्मा, तो उसमें लिखा था साफ साफ खारे चांद की रात। अच्छा आप भी यार कमाल है यार, ये कैलेंडर आप पहले देख नहीं सकते थे? और ये खारा चांद क्या है? खारा चांद अगर किसी औरत के साथ किसी आदमी ने देख लिया तो वो औरत उससे नाराज हो जाएगी, बगैरबाज के रूठ जाएगी, और उन दोनों के बीच प्यार की खाई जो है वो बेटा एकदम मैं क्या बताऊं खुद जाती है। बढ़िया है।